हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए ओप्पो का रेनो 10 सीरीज का, रेनो 10 प्रो प्लस का क्यूँ रिव्यू देने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिया में आज ही लॉन्च हुआ है और प्राइजिंग भी आ चुकी है। तो आज हम बताएंगे कि इस प्राइस पॉइंट पर क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप अपने लिए 50,000 के बीच में अगर आपको फ़ोन खरीदना है, ये फ़ोन आपके लिए है या नहीं, ये सब चीज़ बताएँगे। तो बिना किसी देरी के क्यूँ रिव्यू करते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। तो ये है कुछ लुक डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है ओप्पो का रेनो 10 प्रो प्लस, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा है और लुक डिज़ाइन काफ़ी अदर ब्रांड से काफ़ी अलग हट के दिया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैमरा मॉड्यूल काफ़ी अलग दिया हुआ है, ग्लोसी फिनिशिंग आपको दिया हुआ है और 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आ रहा है। ट्रिम कैमरा का सेटअप आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पार वाई मारी सिलिकन का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है, टेलीपोटो लेंस के साथ दिया हुआ है, OIS का कैमरा है, सब चीज़ सेटअप काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्पेशली इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा अलग है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं किया है अदर कंपनी से, कोई कॉपी उपी नहीं किया हुआ है। और बॉडी की बात करें तो इसमें ग्लास का बॉटिक फ्रेम दिया हुआ है, साइड में मेटल का फ्रेम आपको दिया है। ऊपर के साइड में एक चीज़ प्लस पॉइंट किया हुआ है कि फर्स्ट टाइम ओप्पो के फ़ोन में आयर ब्लास्टर दिया हुआ है। स्टूडियो स्पीकर तो है ही यहाँ पे और सेकेंडरी माइक्रोफोन है। नीचे की साइड में आपका स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे 2 सिम के बाद मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, यानी कि आपको सिम स्लॉट में आपको 2 ही का ऑप्शन मिलता है। प्लस डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि बेजल लेस डिस्प्ले मिल जा रहा है, जो कि 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आ रहा है। तो बेजल्स काफ़ी छोटे और पतले आपको दिए हुए हैं, जो कि 3D कर्व डिस्प्ले है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको दिया हुआ, वो भी 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट एंड स्मूथ मिल रहा है दोस्तों। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, टच में कुछ इसका दिक्कत नहीं, जैसा कि आपको हम वीडियो में दिखा दे रहे हैं। परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सट आपका ये काम कर रहा है, तो परफॉर्मेंस में डिस्प्ले क्वालिटी में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ वीडियो भी आपको हम सैंपल दिखा देते हैं दोस्तों, कि इसका 10-bit का कलर आपको दिया हुआ है, तो इसका साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसा होने वाला है वो देख लीजिए। ये रहा दोस्तों इसका वीडियो क्वालिटी, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी दिया हुआ है, कलर काफ़ी बूस्टेड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यहाँ पे आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है 10-bit के कलर के साथ, और स्टूडियो साउंड पे क्वालिटी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे ऊपर दोनों अप एंड डाउन स्पीकर मिल जाता है। ये रहा डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो कंपनी ने इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया हुआ है, जो स्नैपड्रैगन का 8Gen 1 जो आपको प्रोसेसर दिया, वही आपको दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। हार्डवेयर वाइज काफ़ी अच्छा होने वाला है। रैम रोम की बात करें तो इसमें 12GB रैम, 256GB वेरिएंट है, इसमें एक ही वेरिएंट आया हुआ दोस्तों। प्लस 12GB रैम बढ़ा सकते हैं तो अप टू 24GB रैम, 256GB इंटरनल के साथ आ जाता है। प्लस इसमें मारी सिलिकॉन का आपको इसमें प्रोसेसर एक और बिल्ड किया हुआ, जिसका भी ग्राफिक्स पे आपको ये वर्क करेगा। स्पेशली कैमरा के लिए आपको ये प्रोसेसर दिया है, जैसे 4K में आपको ये वर्क करेगा, मतलब HDR 10 सपोर्ट के लिए आपको ये मारी सिलिकॉन का प्रोसेसर दिया है, जो कि कैमरा पे बेस पे आपके काम करेगा। कैमरा का कुछ मेगापिक्सल वगैरह सब चीज़ यहाँ बताया, जैसे फ्रंट 32 है, बैक 50 मेगापिक्सल है, प्लस 8 प्लस 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। कैमरा के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। प्लस सॉफ्टवेयर की बात करते, इसमें सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 के साथ मिल रहा है, तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब UI वगैरह भी अच्छा है। हार्डवेयर काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का 8Gen+ आपको दिया हुआ है इसमें, तो काफ़ी दिक्कत होने वाला है नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइट पॉइंट की, जो कि इसका कैमरा। तो कंपनी इसमें आपको मेन कैमरा जो है आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया हुआ विथ OIS का साथ। सबसे बड़ी बात है कि इसका तीनों कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाता है, वो भी सोनी का सबसे लेटेस्ट सेंसर के साथ। सोनी का 8x6 का प्रोसेस ये आपको सेंसर दिया हुआ है। कैमरा में आपका एक मेन कैमरा है, वाइड एंगल का कैमरा भी आपको दिया हुआ है, जो वाइड एंगल कैमरा भी आप देख लीजिए दोस्तों, जो काफ़ी इन्हेंस करके देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 120x का जूम आपको मिल जाता है दोस्तों, जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं, ये 10x पे है। जी हाँ दोस्तों, आपको 120x का जूम दिया हुआ है, तो जूमिंग का क्वालिटी हम आपको दिखा देते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये AI पे वर्क कर रहा है दोस्तों।
120 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको दिया हुआ है जो कि 120x तक जूम कर सकते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको दिया, वर्ल्ड फर्स्ट, मतलब इंडस्ट्री का फर्स्ट फ़ोन है जिसमें 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको दिया जो कि 120x पे जूम करता है। और कैमरा में बहुत सारे मोड है जो कि आपको हम बताए, जिसमें नाइट मोड है, पोर्ट्रेट मोड तो है, इसका पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी खतरनाक आता है। मोड में ऑप्शन जाने के बाद आपको हम बता देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा HD मोड, स्लो मोशन वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों इसके कुछ फ़ोटोज़ पे, जो किसी से हमने कुछ पहले ही फ़ोटो खींच लिया था। जैसे इसका फ्रंट 32 मेगापिक्सल कैमरा है, तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये पोर्ट्रेट मोड में खींचा हुआ है और ये बैक कैमरा से खींचा है पोर्ट्रेट मोड में, तो कैमरा का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, डिटेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त दिया हुआ है। तो एक लगभग परफेक्ट फ़ोन आपको होने जा रहा है पोर्ट्रेट कैमरा के लिए, जिसका ब्लरिंग काफ़ी अच्छा दिया हुआ है तो भी काफ़ी अच्छी बात है। स्क्रीन टोन काफ़ी अच्छा नेचुरल टोन आपको प्रोवाइड करता है, कलर्स को काफ़ी पंची मिल जाते हैं जो कि आपको इस प्राइस रेंज पॉइंट पर बहुत कम सारे फ्रेंड में आपको मिलते हैं। और ये डिटेलिंग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं होने वाला है डे टू डे लाइफ में, तो कैमरा नो डाउट बहुत अच्छा होने वाला दोस्तों। और इसमें वीडियो में आपको जाते हैं, इसमें कंपनी ने आपको मैक्स 4K में 60fps में फ्रेम मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, विथ OIS के साथ, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय अगर आपका हाथ अगर हिलता भी है तो वीडियो काफ़ी स्टेबल होने वाला है। आप 720x1080 और 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से, प्लस बैक कैमरा में आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जो कि AI पे वर्क है और काफ़ी अच्छे से ये एज को डिटेक्ट करता है, यानी कि आपको ये वीडियो 3x जूम पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 6x पे भी, और इनहेंस वीडियो रिकॉर्डिंग होगा क्योंकि इसमें भी OIS है, मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, हम फ़ोन हम हिला रहे हैं, देख जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों वीडियो काफ़ी स्टेबल होने वाला है। और इसके पोर्ट्रेट मोड में एक से एक पोर्ट्रेट मोड मिला है जिससे आपको बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट काफ़ी अच्छे तरीके से कलर आप रिवील कर सकते हैं जो कि आपको इसमें दिया हुआ है। प्लस इसके फ्रंट कैमरा में भी आपको पोर्ट्रेट फोटो पोर्ट्रेट वीडियो मिल जाता है जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जो कि मेरा फ़ोटो खुद का ही है। और इसमें मैक्स टू मैक्स 1080p में 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विथ AIS, कम से कम यहाँ 1080 में 60fps होना चाहिए था, जो कि इस प्राइस लेवल पे आपको वीवो के फ़ोन में आपको प्रोवाइड 4K भी मिल जाते हैं, प्लस 60fps भी मिल जाते हैं, जो कि यहाँ मुझे इसका प्लस नहीं माइनस पॉइंट लगा। खैर बहरहाल ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होने, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ और दोस्तों, इसमें 5000mAh का बैटरी दिया हुआ और जो फास्ट चार्जिंग दिया हुआ जो कि 100W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, कंपनी क्लेम करता है 9.5 मिनट में 50% और अप टू 27 मिनट में 100% फुल्ली चार्ज कर देगा दोस्तों, तो चार्जिंग के मामले में काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब बताते हैं दोस्तों प्राइजिंग की बात है, तो कंपनी इसमें इसका प्राइज लॉन्च चुका गया 54,999 है कि 55,000 में काफ़ी अच्छा पैकेज होने वाला है। मेन हाइलाइट्स की बात करते हैं, सबसे इसका मेन कैमरा इसका हाइलाइट पॉइंट है क्योंकि इसमें तीनों कैमरा आपको में OIS दिया है, वाइड एंगल में भी OIS है, मेन कैमरा भी OIS है, प्लस टेलीफोटो लेंस जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आपको दिया है प्रोवाइड, वो भी 120x जूम के साथ जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रोसेसर इसमें काफ़ी अच्छा दिया जो कि है 8 Gen 1 का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, 3D कर्व इसमें मिल जाता है और लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। प्राइसिंग तो 55,000 है दोस्तों, अगर इसको ऑफलाइन में देते हैं तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाता है, यानी कि ऑफलाइन प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाता है, मोटा मोटी आपको 50,000 के रेंज में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में ज़रूर खरीदें, और प्री बुकिंग इसका स्टार्ट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसका हम डिटेल रिव्यू भी करेंगे तो इसका कैसा होने वाला है और बाकी सारा चीज़। तो बिना किसी तरीके का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।